नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स, आपके साथ मैं हूं संदीप। दोस्तों, चीन में कोरोना वायरस लगातार कहर बरपा रहा है। इस घातक वायरस से मरने वालों की संख्या बढ़कर 170 हो गई है और मौत का यह आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में इस वायरस ने 38 लोगों की जान ले ली, जबकि 1737 नए मामले सामने आए हैं। अगर कुल मिलाकर बात करें तो अब तक 7711 मामले सामने आ चुके हैं। चीन में हालत यह है कि अब राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने सेना को भी मदद के लिए बुला लिया है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कोरोना वायरस के प्रकोप को रोकने की मुश्किल जिम्मेदारी सेना को उठाने का आदेश दिया है। चीन की सेना को पूरे देश में तैनात कर दिया गया है ताकि वे इस वायरस से संक्रमित हुए लोगों, चिकित्सा कर्मियों और सामान्य लोगों को भी अगर कोई जरूरत हो तो उनकी मदद कर सकें। सेना के हजारों मेडिकल कर्मी इस काम में जुटे हुए हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित या कह लें कि इस वायरस के फैलने का केंद्र कहे जा रहे वुहान शहर में कोरोना वायरस से पीड़ित लोगों के लिए जो डेडिकेटेड अस्पताल बन रहा है उसमें भी चीनी सेना की मदद ली जा रही है। इस बीच चीन की सरकार ने लोगों से अपील की है कि वे मांस खाना बंद कर दें। यहां आपके लिए ये जानना जरूरी है कि इस वायरस को लेकर अभी तक जो जानकारी उपलब्ध है उसके मुताबिक ये जानवरों के मांस के जरिए ही इंसानों में फैला है। ऐसे में सरकार की ओर से कहा गया है कि लोग अभी मांस छोड़ दें और सब्जियां ही खाएं। चीन के हुबेई प्रांत के सभी 21 शहरों में मांसाहार पर टेम्परेरी बैन लगा दिया गया है। किसानों से अपील की गई है कि वे सब्जियों का उत्पादन तेजी से बढ़ाएं। साथ ही पड़ोसी देशों से फलों और सब्जियों का आयात बढ़ाने की कोशिशें भी चल रही हैं, ताकि जिन्हें सिर्फ मांस खाने की आदत है उन्हें सब्जियां कम ना पड़े। सरकार ये सुनिश्चित करने में जुटी है कि देश में खाद्य पदार्थों की किसी हाल में कमी ना होने पाए। उधर WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अधिकारियों ने चीन के बाहर अन्य देशों के लोगों के बीच कोरोना वायरस फैलने पर गहरी चिंता जाहिर की है। आपको बता दें कि चीन से निकला ये घातक वायरस अब तक दुनिया भर के 17 देशों में फैल चुका है। कोरोना वायरस से संक्रमण का भारत में भी एक मामला सामने आ चुका है। केरल में चीन से लौटे छात्र में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हो चुकी है। ये छात्र चीन की वुहान यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा था। मरीज की हालत फिलहाल स्थिर है और डॉक्टर उसकी निगरानी कर रहे हैं। इसके पहले भी भारत में कोरोना वायरस के कई संदिग्ध मरीज सामने आए थे, लेकिन अभी तक की मेडिकल जांच में उन्हें पॉजिटिव नहीं पाया गया है। हालांकि वे सब डॉक्टरों की निगरानी में हैं। इस बीच कई वैश्विक एयरलाइंस ने चीन के लिए अपनी उड़ानें बंद कर दी हैं। दो भारतीय एयरलाइंस इंडिगो और एयर इंडिया ने भी अपनी अधिकतर उड़ानें निलंबित करने का ऐलान किया है। चीन में तबाही मचा रहे इस वायरस से जुड़ी तमाम जानकारियों, इससे बचने के लिए आपको क्या करना है, क्या एहतियात बरतने हैं, ये आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। इससे जुड़े कई वीडियो हमारे YouTube चैनल पर मौजूद हैं। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जुड़े रहें नवभारत टाइम्स के साथ।